हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि फोटोशॉप में हम किसी भी टेक्स्ट के अंदर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट या फोटो कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फाइल में से न्यू पेज सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी जैसे मैंने लिया है वो 5x7 300 रेजोल्यूशन का सिंपल वाइट कलर का पेज है। उसके ऊपर मैं अभी टाइप टूल या फिर टेक्स्ट टूल से एक वर्ड लिखने वाला हूँ। आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल टाइप टूल सिलेक्ट करें और कोई भी टेक्स्ट लिख लें। मैं ये सारे टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर लेता हूँ और कैरेक्टर में से इनका स्पेसिंग थोड़ा सेट कर लेते हैं। ये हो गए हमारे टेक्स्ट रेडी। अब हम एक फोटो ले लेते हैं। उसके लिए हम जाएंगे फाइल, प्लेस। आप फोटो ड्रैग एंड ड्रॉप से भी ले सकते हैं और आपको जैसे चाहिए वैसे आप स्केल भी कर सकते हैं। अभी ये फोटो टेक्स्ट लेयर के ऊपर है। मुझे ये फोटो फिक्स करना है टेक्स्ट लेयर पर, इसलिए हम लोग यूज करेंगे क्लिपिंग मास्क। उसके लिए हम एक तो लेयर पे राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप शॉर्टकट से भी कर सकते हो, जैसे कि अल्टर की प्रेस करके दो लेयर के बीच में सिर्फ क्लिक करें जैसे दिखाया है और आपका फोटो फिक्स हो चुका है। बस, तो आप भी किसी भी फोटो को टेक्स्ट में प्लेस करके आपके टेक्स्ट को एक नई जान दे सकते हैं। धन्यवाद।